हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एक स्मार्ट टीवी लेने की लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मार्केट में इतने ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है और इतने ज्यादा फंक्शंस आ गए हैं हमारे नए नए टीवीज में, तो हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टीवी लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है किसी स्मार्ट टीवी को लेने से पहले। और इतने सारे ब्रांड है मार्केट में, चाहे आप सैमसंग देखें, एलजी देखें, सोनी देखें, आप एमआई का ब्रांड देखें, आप वन प्लस देखें, सभी कंपनियों ने, चाहे वो नोकिया का टीवी हो, वन प्लस का टीवी हो, सभी कंपनियों ने अपनी स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमें किन किन पैरामीटर्स पे एक टीवी को टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ही अपना बाइंग डिसीजन लेना चाहिए कि हमें वो टीवी लेना है या नहीं लेना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही करीबन 10 पॉइंट बताऊंगा जिन पॉइंट्स को लेकर आप किसी भी टीवी को खरीद सकते हैं, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो सोनी का हो, चाहे वो एलजी का हो, या किसी का भी कोई भी कंपनी का टीवी हो। आप इन पॉइंट्स पे उस टीवी को परखिए, अगर वो इन पॉइंट्स पे ठीक उतरता है, खरा उतरता है, उसके बाद ही आप उस टीवी को खरीदें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है साइज ऑफ द टीवी, यानी कि टीवी का साइज कितना है, आप किस साइज का टीवी देख रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं एलजी की, सोनी की या डिफरेंट कंपनीज की, चाहे वो सैमसंग हो, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की जो साइज है वो मार्केट में लेके आई हुई है। तो जो नॉर्मल साइज हमारी मार्केट में चलता है वो चलता है 32 इंचेस, 43 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस और उसके ऊपर भी साइजेस होते हैं। तो अब ये आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज का टीवी लेना है। ये भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पे टीवी को लगाएंगे उस और कितनी दूर से आप टीवी को बैठ के देखेंगे। तो अलग अलग यू नो टीवी की जो व्यूइंग डिस्टेंस है वो अलग अलग है। अगर आप 43 इंच का टीवी लेते हैं तो उसके लिए करीबन करीबन आपको 5 से 6 फुट की दूरी चाहिए होती है। अगर आप 55 इंच का लेते हैं तो उसके लिए अलग अलग डिस्टेंस है, जो कि मैं आपको ये इमेज अगर आप देख रहे हैं अगर मेरी स्क्रीन पे, तो इस इमेज में मैं आपको दिखा रहा हूं। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इस इमेज को देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका जो कमरा है वो कितना बड़ा है या जिस हॉल में आप टीवी को लगाना चाहते हैं वो कितना बड़ा है, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 43 इंच का टीवी चाहिए या 55 का चाहिए या 65 का चाहिए। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन, यानी कि जो टीवी आप ले रहे हैं उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसी है। तो अभी जो मार्केट में सबसे लेटेस्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन चल रही है वो 4K चल रही है। तो अगर आप भी टीवी लेने की प्लान कर रहे हैं, स्मार्ट टीवी लेने की प्लान कर रहे हैं, तो आप 4K ही लें। अभी मार्केट में वैसे आपको एचडी टीवी भी मिल जाएंगे, फुल एचडी टीवी भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टीवी लेने की सोच रहे हैं और स्मार्ट टीवी लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 4K पर ही जाएं, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हालांकि अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो अलग अलग तरह के टीवी भी मार्केट में लेके आई हुई हैं। कुछ QLED टीवी हैं, जो कि कुछ OLED टीवी हैं, यानी कि ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इससे भी पिक्चर की जो रेजोल्यूशन, पिक्चर की क्वालिटी है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि इससे जो प्राइस रेंज है वो काफी बढ़ जाती है टीवी की। तो भैया आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्राइस रेंज कितनी है और आपको एक 4K टीवी चाहिए, वो भी QLED चाहिए या OLED चाहिए, या डिफरेंट 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 कंपनीज के आप चेक कर सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी के अंदर वो कितने वेरिएशन आपको दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है पैनल ऑफ द टीवी, यानी कि टीवी का पैनल कौन सा है। अभी मार्केट में जो पैनल चल रहे हैं वो दो मोस्ट पॉपुलर पैनल चल रहे हैं। सबसे पहला पैनल जो है वो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है IPS पैनल, दूसरा पैनल है VA पैनल, यानी कि वर्चुअली अलाइन पैनल। तो IPS पैनल का अगर आप टीवी देख रहे हैं तो उसमें फायदा आपको ये होता है कि उसके जो व्यूइंग एंगल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। व्यूइंग एंगल क्या होता है, जब भी आप टीवी को देखते हैं, चाहे आप सामने से देख रहे हो, चाहे आप साइड से देख रहे हो, किसी भी साइड से देख रहे हो, अपने लेफ्ट से देख रहे हो एक्सट्रीम, अपने राइट से देख रहे हो एक्सट्रीम, तो उस केस में क्या होता है, कोई भी पिक्चर लॉस नहीं होता, कोई भी कलर लॉस नहीं होता, कोई भी शार्पनेस, कोई कॉन्ट्रास्ट या किसी भी तरीके का पिक्चर लॉस IPS पैनल में बहुत कम से कम होता है। हालांकि वर्चुअल अलाइन पैनल में व्यूइंग एंगल्स आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी आपको बहुत आउटस्टैंडिंग मिलेगी। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस पर्पस के लिए टीवी ले रहे हैं। क्या आप ज्यादा दाएं बाएं होकर टीवी देखते हैं कि आपको व्यूइंग एंगल ज्यादा मैटर करता है या पिक्चर की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। हालांकि दोनों ही जो पैनल्स होते हैं उसमें पिक्चर की क्वालिटी में आप बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन टेक्निकली बताऊं तो उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जो IPS पैनल होते हैं उनके व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे होते हैं और वर्चुअली अलाइन जो पैनल्स होते हैं उनकी पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो हमें ये जरूर देखना होता है स्मार्ट टीवी लेते हुए कि टीवी जो है वो HDR है, HDR प्लस है या फिर डॉल्बी विजन है। यानी कि अब मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज, यानी कि जब भी आप टीवी खरीदते हैं, कोई स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि हाँ ये अगर HDR है तो उसमें जो कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो शार्पनेस होती है, जो कॉन्ट्रास्ट होता है या बाकी जो भी कलर जो आउटपुट होता है उसका, वो बहुत अच्छा आता है। अगर टीवी आपका HDR है, HDR प्लस है, तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आपका टीवी डॉल्बी विजन है तो वो आपको लाइफ लाइक कलर देता है, जैसे कि हम रियल अपनी आंखों से देखते हैं अपने नॉर्मल जिंदगी में कलर्स को, वो कुछ उस तरीके के कलर प्रोड्यूस करता है। तो अब आपको ये स्मार्ट टीवी लेते हो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका टीवी एटलीस्ट HDR या HDR 10 प्लस या फिर डॉल्बी विजन होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्रेश रेट या मोशन रेट।
जब भी आप स्मार्ट टीवी खरीदें आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको ये चेक करना है कि टीवी की रिफ्रेश रेट या मोशन रेट कितनी है। रिफ्रेश रेट या मोशन रेट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं, चाहे आप कोई भागने का सीन देख रहे हैं मूवी में, या कोई आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं, या कोई आप कार रेसिंग देख रहे हैं, तो उस मोशन के टाइम पे जो इमेजेस होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना क्लियर दिखता है, रिफ्रेश रेट उसी चीज को डिफाइन करता है। तो जैसे कभी हम फुटबॉल का मैच देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि फुटबॉल बहुत छोटी सी दिखाई देती है मैच के अंदर, लेकिन वो कितनी क्रिस्प दिखाई दे रही है। तो ये जो डिफाइन करता है वो ये डिफाइन करता है कि जो आपके टीवी का रिफ्रेश रेट है वो कितना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो उसका रिफ्रेश रेट एटलीस्ट 60 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक हो, एटलीस्ट 60 हर्ट्ज तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है साउंड क्वालिटी ऑफ द टीवी, यानी कि टीवी की साउंड क्वालिटी कैसी है। तो अब हमें ये जज कैसे करना है कि टीवी की साउंड क्वालिटी कैसी है, मैं आपको ये बताता हूँ। जो नॉर्मली जितने भी स्मार्ट टीवी मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनमें 20 से लेकर 30 वॉट के स्पीकर्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उसमें जो साउंड सिस्टम है वो कैसा है। अगर आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड मिल जाता है तो बहुत अच्छा साउंड है उसका, हालांकि जो वो थोड़े हायर जो एंड वाले टीवी हैं उनके जिनकी प्राइस रेंज काफी ज्यादा है उसमें ही आता है। लेकिन अगर नॉर्मली हम स्मार्ट टीवीज की बात करें तो उसमें 20 से लेकर 30 वॉट तक के स्पीकर ही आ रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी स्मार्ट टीवी के साथ अगर आप अच्छा साउंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको एक साउंड बार लेनी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कनेक्टिविटी पोर्ट्स इन द टीवी, यानी कि आपको कौन कौन से कनेक्टिविटी पोर्ट मिलते हैं। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस उससे कनेक्ट करना चाहते हैं या उसको किसी भी तरीके से किसी भारी डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या वो पोर्ट आपके टीवी में मिलते हैं, क्या वो फैसिलिटी आपको टीवी में मिलती है, इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप स्मार्ट टीवी ले रहे हैं तो आपके जो स्मार्ट टीवी है उसके अंदर HDMI ARC का एक पोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा विजुअल और अच्छा यू नो साउंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो HDMI ARC का एक पोर्ट होना जरूरी है। एटलीस्ट 3 पोर्ट उसके अंदर HDMI के होने चाहिए, उसके अलावा 2 या उससे ज्यादा पोर्ट आप उसके अंदर USB के होने चाहिए। आपका टीवी हमेशा ब्लूटूथ इनेबल्ड होना चाहिए, यानी कि अगर आप कुछ भी ट्रांसफर करना चाहते हैं इजिली आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप उसको अपनी साउंड बार से कनेक्ट करना चाहें, चाहे आप उससे कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहें, उसमें कोई और दूसरी चीज देखना चाहें। साथ ही साथ एक चीज और आपको मैं बता दूं कि आपके टीवी के अंदर जो वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए वो ड्यूअल बैंड सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अच्छी स्पीड उसमें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कोई भी लैग एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते टीवी में, तो आपके टीवी में ड्यूअल वाईफाई का जो सपोर्ट होता है, ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको कनेक्टिविटी में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका टीवी जो है वो स्क्रीन कास्टिंग को सपोर्ट करता हो, यानी कि आप अपने फोन को की स्क्रीन को कास्ट कर सके अपने टीवी के अंदर। साथ ही साथ वो आपके जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन को भी कास्ट कर सके, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन को भी कास्ट कर सके। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप टीवी लें कि कास्टिंग का ऑप्शन उसमें होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है ऐप स्टोर ऑफ द टीवी, यानी कि टीवी का जो एप्लीकेशन स्टोर है वो कैसा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो टीवी है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं। अगर सैमसंग की बात करूं तो वो टाइजन पे काम करता है। तो अलग अलग जो टीवी है, चाहे वो सोनी का टीवी हो, चाहे वो आपका LG का टीवी हो, उनके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा टीवी लेना है। आपको ऐप स्टोर के अंदर ये देखना है कि कितनी ऐप्स उसमें अवेलेबल है, कितनी ऐप उसमें इनबिल्ट ऑलरेडी आती है, साथ ही साथ आप और कितनी ऐप को उसमें एक्सटर्नली उसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो यानी कि आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको टीवी लेते वक्त इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप उसकी स्टोरेज जरूर चेक करें कि टीवी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है। 8 GB है, 4 GB है, 10 GB है, 12 GB, वो सब आपको एक बार ही चेक करना होगा ताकि जब बाद में आप उसमें एप्लीकेशन एक्सटर्नली भी लेके आना चाहें, एक्सटर्नली भी उसके अंदर डाउनलोड करना चाहें, तो क्या वो भी होती है। यानी कि इनबिल्ट के साथ साथ अगर आप कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या वो फैसिलिटी भी टीवी देता है या नहीं, तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। और जो बेसिक एप्लीकेशन है वो उसमें होनी चाहिए, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो Amazon प्राइम हो, या फिर वो जियो टीवी हो, तो ये सारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो वो है टीवी का रिमोट। टीवी का रिमोट जो है वो हमेशा एक स्मार्ट रिमोट होना चाहिए, यानी कि उसमें आपको जो कुछ एप्लीकेशन के बटन तो मिलने चाहिए, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका Amazon प्राइम हो, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन के बटन आपको मिलने चाहिए ताकि सिर्फ उनको प्रेस करके आप सीधा एप्लीकेशन पर जा सके। साथ ही साथ वो वॉइस एनेबल्ड होना चाहिए, यानी कि चाहे वो Alexa को यू नो सपोर्ट करता हो, चाहे वो गूगल वॉइस को सपोर्ट करता हो, या उसका अपना इंटरनल जो भी वॉइस का सर्च इंजन है उसको वो सपोर्ट करता हो। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो रिमोट है वो स्मार्ट रिमोट होना चाहिए ताकि टीवी को ऑपरेट करने में आपको आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राइस ऑफ द टीवी। टीवी का प्राइस कितना होना चाहिए, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउड करती है, क्योंकि मार्केट में आपको हर तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप बजट टीवी की बात करें तो आपको MI भी मिल जाएगा, व्यू भी मिल जाएगा, वेस्टर्न भी मिल जाएगा, टेस्ला भी मिल जाएगा, तो ये सारे के सारे आपको टीवी बजट टीवी की रेंज में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर आप थोड़ा आपकी प्राइस रेंज ज्यादा है या आपकी पॉकेट आपको ज्यादा अलाउ करती है तो आप LG पर जा सकते हैं, सैमसंग पर जा सकते हैं, सोनी पर जा सकते हैं, या उसके अलावा आप नोकिया के टीवी भी देख सकते हैं जो कि अभी अभी हालिया ही मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। तो ये सारी की सारी यू नो डिपेंड करता है आपकी जो पॉकेट है वो कितना अलाउ करती है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप टीवी ले रहे हैं तो उसको उसके साथ आपको वारंटी कितनी मिल रही है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रहे हैं 3 साल की, 4 साल की, तो आपको उसके लिए कितना पे करता है,
पे करना पड़ता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजों को लेकर आपको उसका प्राइस कंसीडर करना है और टीवी की वर्थ को कंसीडर करना है, और उसके बाद ही आपको अपना बाइंग डिसीजन लेना है।